हाय गाइस, मैं अपेक्षा आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल ढोकड़ी, एकदम इजी और आसान तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप तूर डाल ली है और 2 ग्लास पानी डाल के उसको 30 मिनट के लिए भिगोने रख दिया है। तो अब हम दाल बॉईल करने के लिए रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद जो दाल हमने भिगोने रख दी थी वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारी सामग्री को मैं मिला लूँगी। अब जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक हम दाल ढोकड़ी बनाने का मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, अनियन, जिंजर गार्लिक, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। उसके बाद दाल ढोकड़ी बनाने का आटा रेडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाउल लिया है, 1/2 ग्लास मैंने पानी लिया है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद थोड़ी मैंने अजवाइन ऐड की है और 1 चम्मच ऑयल। अब यहाँ पे मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है। अब सारे मसाले को गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर दूंगी। इसे धीरे धीरे करके मैं आटा रेडी करूंगी और ज़रूरत पड़ने पे पानी ऐड करूंगी। ये हमारा आटा रेडी है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आटे को। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है और रंग भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम दाल को तड़का देने के लिए मसाला रेडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने राई ऐड की है, उसके बाद अखा जीरा, 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, तेज पत्ता ऐड किया है, उसके बाद हींग, तेल अच्छे से गर्म होने पे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड की है। प्याज अच्छे से पक जाए उसके बाद टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर और जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की है। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अब जो बॉईल हो चुकी है वो दाल ऐड करूंगी मैं। 1/2 ग्लास पानी। आप लोगों को अगर हल्दी ज़्यादा पसंद है तो आप दोनों में डाल सकते हो। जैसे कि मैंने दाल को बॉईल करने रखा था तब भी डाला था और अभी तड़का दे रही हूँ तब भी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है तो जब आप तड़का दे तब भी डाल सकते हो या बॉईल करो तब भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने गुड़ ऐड किया है। अगर मीठा पसंद है तो आप गुड़ ऐड कर सकते हो। अब जब तक हमारी दाल में उबाल आए तब तक हम ढोकड़ी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमारा आटा भी रेडी हो गया है। अब इसे मैं अच्छे से रोटी के अंदर बेल लूंगी। अब छुरी से मैं इसमें कट लगा दूंगी इस तरह से।
ये देखिए, और हमारी दाल में भी उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसे 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारी ढोकली ऊपर आने की स्टार्ट ना हो जाए। आई होप गाइस मेरी ये दाल ढोकली बनाने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी ट्राई करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।